हेलो एवरीवन, चलिए आज देखिए पढ़ने वाले मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पहले देखिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसी पदार्थ की दी गई मात्रा में मोलों की संख्या ज्ञात करना, इसको कैसे करते हैं। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। तो इसका देखिए जो सूत्र होता है, सूत्र देखिए जो इंपॉर्टेंट है यही आपको नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, तीन सूत्र हैं मोलों की संख्या निकालने के लिए, पहला तो ये, दूसरा ये, एक और है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मोलों की संख्या लेंगे। क्या सूत्र होता है, मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या को दर्शाते हैं स्मॉल एन द्वारा। तो क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया भार। क्या होता है, दिया गया भार बटा क्या होता है, अणु भार होता है। इसको देखिए दिया गया भार हो जाएगा, W से प्रदर्शित करते हैं, और जो अणु भार रहता है, अणु भार को देखिए क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। केवल मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं, ठीक है, अणु भार भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान इसको कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दिया गया भार बटा अणु भार कहिए, या फिर मोलर द्रव्यमान कहिए। ठीक है, तो मोलों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया गया भार को इंग्लिश में कहते हैं गिवन मास। क्या होता है, गिवन मास बटा क्या होता है, ये मोलर मास होती है। क्या होती है, मोलर मास। ठीक है, दिया गया भार बटा अणु भार ये हो जाएगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं n बराबर क्या होता है, W बटा m। मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया भार बटा अणु भार हो जाएगा। तो पहले इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ के परमाणुओं, अणुओं अथवा अणुसूत्रों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर फार्मूले ऑफ ए सब्सटेंस। तो इसके लिए क्या निकालते हैं, इसके लिए देखिए क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या तो जानते हैं, यन यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको दर्शाते हैं, एन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कणों की संख्या, एन बराबर क्या हो जाएगा, कणों। अब कण में देखिए क्या क्या आ सकते हैं, परमाणु, अणु, ये सब आ सकते हैं, कणों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या। क्या हो जाएगी, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो, ये अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो देखिए कणों की संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपान क्या होता है, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो ये दूसरा सूत्र हो गया मोल की संख्या ज्ञात करने का, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अवोगाद्रो संख्या ये कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.022 × 10 की पावर क्या होती है, 23। तो ये क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या का क्या होता है, ये मान होता है, अवोगाद्रो संख्या का कितना मान होता है, 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक है, तो पहले क्या जान गए, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या दिया गया भार बटा क्या होता है, अणु भार। मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं, अणु भार भी लिख सकते हैं। दूसरा ये क्या होता है, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कण की संख्या बटा क्या हो जाएगा, कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो ये नंबर। ये देखिए नंबर ऑफ ये पार्टिकल्स मीन्स ये कणों की संख्या को एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अवोगाद्रो संख्या को क्या कहते हैं, एन ए द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं। किसे, एन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए देखते हैं, पहले इस इन्हीं दोनों में देखिए रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मिटा दे रहे हैं, पहला तो ये था। ठीक है, देखिए पहला क्या देखे थे, ये मोलों की संख्या बराबर क्या था, दिया गया भार बटा क्या होता है, अणु भार होता होता है। ठीक है, डब्ल्यू बटा एम। दूसरा देखिए मोलों की संख्या क्या होता है, कणों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या होता है। तो ये पहला ये हो गया आपका, और दूसरा समीकरण ये हो गया। दोनों में देखेंगे मोलों की संख्या कॉमन है, तो दोनों से क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू बटा एम बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा क्या हो जाएगा, एन ए।
ये हो जाएगा। अब देखिए इसका मान तो जानते हैं, जो अवगाद्रो संख्या होती है ये क्या होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 23। ये कहीं पे 22 भी लिखा रहता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10 की पावर ये 23 लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवगाद्रो संख्या। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये कणों की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा, ठीक है। अगर पूछता क्वेश्चन में कणों की संख्या कितनी ज्यादा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, ये w बटा क्या हो जाएगा, m गुणे n a, अवगाद्रो संख्या का मान, मतलब कि वो उतना रख देंगे। तो ये इसी देखिए सूत्र से कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो ये निकालिए, ठीक है, दिया गया भार, तो अणुभार तो दिया ही रहेगा, ठीक है, या तो दिया गया भार देखिए निकालते हैं, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इससे निकाल सकते हैं, कणों की संख्या ये दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। ये n क्या था, ये आपका कणों की संख्या था, n ये क्या है, कणों की संख्या है, ठीक है, कणों की ये संख्या है, n क्या है आपका, कणों की संख्या बराबर ये दिया गया भार बटा अणुभार गुणे क्या हो जाएगा, अवगाद्रो संख्या हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं तीसरा वाला, एक और बचा है उसको बता दे रहे हैं, ये नोट किए रहिएगा, अभी क्वेश्चन भी बता रहे हैं इसी से, ठीक है, तीसरा मैं नोट कर दे रहा हूँ। हाँ, तीसरा देखिए क्या है, एसटीपी मिस मानक ताप तथा दाब अथवा एनटीपी सामान्य ताप तथा दाब पर दी गई गैस का आयतन ज्ञात करना, ठीक है, टू डिटरमाइन द वैल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी आर एनटीपी। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, मानक ताप तथा दाब एसटीपी और एनटीपी पर, ठीक है, एक मोल गैस का आयतन, एसटीपी और एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन सदैव क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान में रखिएगा कि एसटीपी और एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है। अब इसको मिली में भी क्या कर सकते हैं, गुणा कर देंगे एक एक हजार से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना जीरो लग जाएगा, दो जीरो और लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मिली लीटर हो जाएगा, मिली लीटर ये होता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये वी बटा क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर ये हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, V बटा 22.4 लीटर ये हो जाएगा। तो ये वाला भी सूत्र याद रखिएगा, ठीक है, ये तीनों जो सूत्र बताए ये बहुत ही मोलों की संख्या को निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, तीनों सूत्र से क्या करेंगे, क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, पहला क्या करना है, निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात करना बताना, पहला है N2 के 56 ग्राम में, ठीक है, दूसरा है CO2 के 11.2 लीटर में, ठीक है, एनटीपी पर ये दिया गया, तीसरा है ये क्या है, आयरन, आयरन के 3.01 गुणे 10 की पावर 22 परमाणुओं में। तो इन सभी में क्या बताना है, मोलों की संख्या बताना है। तो पहला सूत्र देखिए जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटा क्या होता है, अणु भार होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ से निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है, अभी देखिए, और दूसरा क्या है, यहाँ पे ये क्या दिया गया, लीटर दिया गया, एनटीपी पर दिया गया, यहाँ पे देखिए मोलों की संख्या क्या होता है, वी बटा क्या होता है, 22.4 क्या होता है, 4 लीटर होता है, यही होता है, वी बटा क्या होता है, 22.4 ये हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि आयरन के कितना दे रहा है, 3.01 गुणे 10 की पावर 22 परमाणुओं में, मीन्स नंबर ऑफ क्या दिया गया, पार्टिकल दी गई है। तो क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे कणों की संख्या बटा क्या होता है, अवगाद्रो संख्या। तो ये तीनों देखिए, ये तीनों जो सूत्र हैं उसी से क्या है, ये रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला देखिए ये दिया गया है, पहले वाले का सोल्यूशन देखिए ये हो जाएगा, पहला क्या दिया गया, N2 के 56 ग्राम में, तो दिया गया भार कितना है, मतलब कि जो दिया गया भार है ये W है, W बराबर देखिए कितना दिया गया है, 56 ग्राम है, ठीक है, 56 ग्राम देखिए दिया गया है। अब देखिए ये क्या है, N2 का ये क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मतलब इसका आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसके लिए अब यम निकालिए, किसके लिए, एन टू का। देखिए एन टू कितने, नाइट्रोजन ये कितने नंबर पे है, नाइट्रोजन जो होती है ये 7 नंबर पे है। इसका आणविक जो परमाणु भार होता है कितना होता है, ये 14 होता है। तो 2 है मतलब कि 2 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 14, 2 गुड़े ये कितना है, ये 14, ठीक है। 2 × 14 बराबर क्या हो जाएगा, 28 ग्राम प्रति मोल आएगा, ठीक है। 28 ग्राम प्रति मोल ये आ गया, N2 का कितना निकल गया, 28 ग्राम प्रति मोल आ गया, कितना आ गया, 28 ग्राम पर मोल, ये इसका क्या निकल गया, आणविक द्रव्यमान मीन्स मोलर मास निकल गया। अब क्या हो जाएगा, ये मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार देखिए 56 ग्राम है, ठीक है, बटा ये आणविक द्रव्यमान कितना निकला, 28 है, तो काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, 2 मोल आ जाएगी, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी आएगी इसमें, 2 मोल आएगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा वाला, दूसरा वाला देखिए कह रहा है कि CO2 के क्या है 11.2 लीटर में, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे दूसरे, ये तो पहले का सोल्यूशन था, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, v बटा 22.4, v देखिए कितना दिया गया है, 11.2 दिया गया है, बटा क्या है 22.4, तो देखिए ये कितना है, ये एक बार जाएगा मतलब 1/2 आ जाएगा बराबर 0.5, तो कितना आ जाएगा मोलों की यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5 ये आएगी, ठीक है, 0.5 निकल जाएगी। इसमें देखिए कह रहा है कि आयरन के कितना यहाँ पे परमाणु ये दिए गए, मोलों की संख्या ये निकालना है, तो तीसरा वाला क्या निकल जाएगा, तीसरे वाले में ये यन का मान दिया गया, ठीक है, देखिए जो कणों की संख्या दी गई है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दी गई है, 3.0 × 10^22 दी गई है, तो यन बराबर क्या हो जाएगा, 3.01 × 10^2 क्या हो जाएगा, ये 22 बटा अवगाद्रो संख्या क्या होता है, 6.022 × 10^2 क्या होता है, ये 23 होता है, ठीक है। जब देखिए इसको काटेंगे तो ये देखिए 22 है और यहाँ पे ये सर ये 23 है, ये 22 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन एक ऊपर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हाफ से हो जाएगा, 1/2 और ऊपर ये क्या है, 10^-1 है, ठीक है। जब काटेंगे तो आया जाएगा ये, इसका काटेंगे 0.5 × 10^-1 बराबर हो जाएगा 0.05 मोल, ये उत्तर आ जाएगा 0.05 मोल, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए मोलों की संख्या निकाल ले जाएंगे ना, तो ये तीनों देखिए सूत्र यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर कह दिया जाए कि 56 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या 56 ग्राम जल में दे दिया जाए, 56 ग्राम H2O में क्या बताना है, मोलों की संख्या बताना है, तो देखिए H2O, H2O का क्या निकालेंगे, यहाँ पे पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, क्या कहते हैं उसको, मोलर मास कहते हैं, ठीक है ना, ये निकालेंगे, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा, H2O का हाइड्रोजन का देखिए 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन देखिए कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, जो मोलर द्रव्यमान इसका सॉरी परमाणु का ये क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 + 2 बराबर ये 18 ग्राम क्या हो जाएगा पर मोल ये हो जाएगा, मीन्स ये यम का मान आपने निकाल लिया, यम कितना निकल गया, 18 ग्राम पर मोल। अब देखिए दिया गया भार कितना है, ये दिया गया भार बराबर ये 56 ग्राम दिया गया है, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, दिया गया भार बटा अणुभार, ठीक है, H2O का अणुभार कितना, 18 ग्राम पर मोल है बराबर 56 बटा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 56 बटा क्या हो जाएगा, 18 × 36 = 18 कितना आएगा, जितना देखिए आप काटेंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये मोलों की संख्या निकाल लेंगे। चलिए आप देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से अणुओं की संख्या अधिकतम किस में है, पहला कह रहा है कि 44 ग्राम CO2 में, दूसरा कह रहा है कि 48 ग्राम O3 में, तीसरा कह रहा है कि 8 ग्राम H2 में, और चौथा कह रहा है कि 64 ग्राम SO2 में,
ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो मोलों की संख्या, पहले देखिए सूत्र पहले बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या निकालना है, अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें है, ठीक है। देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटा क्या होता है अणु भार, और दूसरा मोलों की संख्या क्या सूत्र था, ये कणों की संख्या बटा क्या होता है अवोगाद्रो संख्या। अब दोनों से कंपेयर करेंगे, मतलब एन एन तो समान है, तो डब्ल्यू बटा एम बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। तो आपको एन ही निकालना, कणों की संख्या निकालना है, अधिकतम किसमें होगी, एन बराबर क्या निकालना है, ये डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, एम गुड़े एन ए अवोगाद्रो संख्या। तो यही आपका निकल जाएगा, एन का मान निकालना है, क्या कह रहा है, अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें होगी, तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये सूत्र बता दिया, अब इसको यहाँ पे यही नोट कर दे रहे हैं, देखिए किससे निकलेगा ये, एन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा एम गुड़े एन ए, एन ए क्या है अवोगाद्रो संख्या, इसी सूत्र से निकलेगा सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, W दिया गया है, W तो दिया गया कितना है 44, इसके लिए निकालते हैं पहले के लिए, इसके लिए तो W देखिए क्या कितना दिया गया है यहाँ पे 44 ग्राम दिया गया, भार कितना है 44 ग्राम। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका अणु भार निकाल लीजिए, ठीक है। इसका अणु भार किसका, CO2 का अणु भार कितना होगा, CO2 का क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे, CO2 का अणु भार देखिए कितना निकल जाएगा, कार्बन का देखिए कितना है, परमाणु भार कितना कार्बन का 12 है, प्लस देखिए दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32 और 12 बराबर 44 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है, इसका 44 हो गया। तो आप निकाल लीजिए इसमें क्या है अणुओं की संख्या, इसमें क्या निकल जाएगा, यन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा एम, डब्ल्यू दिया गया भार कितना है 44 ग्राम है, बटा क्या हो जाएगा ये अणु भार, अणु भार देखिए कितना है ये 44 है, गुणे क्या हो जाएगा आपका अवोगाद्रो संख्या, ये काट देंगे बराबर क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या के बराबर आ रही है अणुओं की संख्या, तो पहला तो ये निकाल लिए। अब दूसरा देखिए निकालिए, 48 ग्राम दिया गया है इसका, ओ थ्री का दिया गया भार कितना है 48 ग्राम है, ठीक है। इसका आणविक क्या निकाल लीजिए, आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, मीन्स अणु भार निकालिए इसका, ओ थ्री का, ओ थ्री का एम बराबर क्या हो जाएगा, तीन ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, बराबर ये 48 निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स कणों की संख्या निकालेंगे, दिया गया भार कितना था 48 था, और बटा ये क्या है आपका अणु भार, अणु भार भी कितना दिया गया है यहाँ पे 48 निकल गया, और गुणे क्या होती है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या तो एक ही आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा इसका भी एन ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो निकला ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर इसका भी एक अणुओं की संख्या निकली। तीसरा देखिए कह रहा है कि 8 ग्राम यस टू में दिया गया भार कितना है 8 ग्राम है, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे, अब अणु भार निकाल लीजिए, ठीक है। अणु भार हाइड्रोजन का देखिए यस टू दिया गया है, यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन का एक होता बराबर दो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इसी पे सूत्र निकालिए, निकालिए अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या एन बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया भार 8 है, अणु भार देखिए कितना है 2 है गुणे एन ए है, अवोगाद्रो संख्या काट दीजिए, ठीक है। देखिए कितना निकल जाएगा, 2 चौके 8, 4 गुना ये निकल गया, ठीक है। इसमें देखिए अणुओं की संख्या 8 ग्राम में कितना है 4 गुना है अवोगाद्रो संख्या से। अब देखिए ये कह रहा है कि 64 ग्राम यस ओ टू में दिया गया भार कितना है 64 ग्राम है, इसका क्या निकाल लीजिए, एस टू एस ओ टू का अणु भार निकालिए, एम एम बराबर क्या हो जाएगा सल्फर है, सल्फर देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, सल्फर का जो परमाणु भार है इसका 32 हो जाएगा, प्लस दो ऑक्सीजन है ये 16 बराबर क्या हो जाएगा 32 प्लस 32 ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, दिया गया भार ये कितना है 64 है, बटा अणु भार कितना निकला 64 गुणे अवोगाद्रो संख्या, ये क्या है एन ए है, ठीक है। कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से अणुओं की संख्या किस में अधिकतम होगी, इसी में होगी 8 ग्राम एस टू में अधिकतम ये होगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बस ये आपको तीन जो सूत्र बताएं वही क्या, वही अच्छे से याद रहना चाहिए हमेशा। तो आप कोई भी मोल मोल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसको क्या करेंगे आसानी से लगा ले जाएंगे।
ओके ओके, थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में करिएगा, मैं बता दूंगा।